इसी वाले में 500 का ही है, वो आदमी मिला था मेरे को। वही वाला है? हाँ ये वाला ही है, आरुषि। उस पे नहीं है, वो ये वाला कह रहा है। 500 का ही है? 500 का ही है, ये देखो आ रहा है। चल हम लोग जा रहे क्रूज पे, आरुषि क्रूज, मजा आएगी। वो रहा डल इन जैक, जाने का मन था बट ठीक है, इतना टाइम भी नहीं और ऐसा कोई कसीनो हम लोग खेलते नहीं है। ये है कसीनो मैजेस्टिक, ये है बिग डैडी है, हाँ वो बिग डैडी है। और ये है, ये भी डेल्टन, डेल्टन रॉयल है, ठीक है कौन सा, अच्छा डेल्टन जैक है वो, ये डेल्टन रॉयल है। ये वेडिंग फ़ोटोशूट चल रहा है, ये एक्चुअली नीचे कैमरे में दिख रहा है, यहाँ पे पूरी फुटेज यहाँ आ रही है, तो हम लोग ने यहीं से देख देख के मज़े कर लिए हैं। चलो हम लोग वापस जा रहे हैं बागा, कल सुबह उठना है 5 बजे। मैं अपनी स्कूटी निकाल रहा हूँ, अभी पंजम है ही शायद, और यहाँ से बागा जाएंगे काफ़ी दूर है, फिर बस थोड़ी देर बागा पे ही घूमेंगे। आज तो कुछ करना नहीं, थक भी गए हैं बहुत देर हो गई, सब चीज़ घूम लिया आज यहाँ पे, और बस इसके बाद निकलते हैं। बस अरे इडली सांभर कुछ बंद हो रहा है क्या, क्या बढ़िया मूड खराब किया। हम लोग एक्चुअली एक जगह आए थे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा पंजी में यहाँ खा ले, क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक रेट पे मिल जाएगा, अच्छी क्वांटिटी मिल जाएगी। वापस गोवा जाएंगे तो वहाँ पर तो वही होने पौने दाम है। नहा धो के तैयार हो गए और मेरे को अपनी आई ड्रॉप्स पड़वानी है, क्योंकि आज जब जा रहे थे तो बहुत धूल उड़ रही थी और बिल्कुल आँखों की बैंड बच गई। उसके बाद जाके मैंने वो 100 रुपये के शेड्स लिए थे तब, तो इसलिए जहाँ मैंने कहा उसकी प्राची से कि आई ड्रॉप्स डाल दो, लो प्राची डाल दो सर। हम लोग जा रहे खाना खाने, बहुत तेज़ भूख लग रही है और स्कूटी भी वापस करनी है, तो कल यहाँ से फुर रोलेंगे सीधा दूधसागर, सीधा दूधसागर फॉल्स। आज देखते हैं ज़रा मंडे के हिसाब से कितनी भीड़ है। मम्मी के लिए एक्चुअली वो सी स्टोन्स लेने थे, तो मुझे लगा शायद कहीं शॉप पे मिल जाए, बट शॉप पे भी है नहीं, फैंसी आइटम्स हैं सब। हाँ ये तो ले लो, फ्रिज मैग्नेट्स। ये कितने का है भैया, कोई है कितने की है ये? हम लोग, मैं ये देख रहा था कि नॉर्थ और साउथ में हम लोग कहाँ कहाँ, हम लोग फोर्ट अवगाड़ा हुआ आए हैं और छपोरा हुआ आए हैं, वो नहीं लिखा है क्या नाम है, अरम्बोल नहीं, ये कहना, लेकिन हम लोग आए हैं। डॉल्फिन क्या है? वैगाटोर बीच भी हमारे रास्ते में पड़ा था, वैगाटोर। और ये डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन वॉचिंग। अरे ये बकवास, टाइम वेस्ट। कल जा रहे हैं हम लोग कहाँ, पंजम, पंजम तो अभी हो आए हम लोग। हाँ। चर्च भी देखा है। हाँ। मीना मार बीच, डोना पोला बीच भी ऐसे ही है, सब बीच ही ओल्ड गोवा चर्च, ठीक है। मंगेश स्पाइस प्लांटेशन हम कल जाएंगे, बोट क्रूज, बोट क्रूज भी हुआ है आज। आज मस्त चीज हुई है प्राची के, सारा वो सन सन का जो सन बर्न है, सन टैनिंग, ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। ओके प्लीज, हो जाता है कभी कभी, मेरी सनस्क्रीन वाली वो वाली मिली नहीं थी जो मुझे चाहिए, और दूसरी वाली इफेक्टिव नहीं मिली। अभी घुस पता है, हाँ अभी घुस कार देखे, गलत स्कूटी पे है। आई एम सॉरी, चलेगा चलेगा, होता रहता है। ओ सामान तो उसने नहीं रखा है ना वहाँ, ठीक है होता है होता है, चलो क्या अभी अभी एक और बहुत स्कूटी पे बैठ गया जाके, और फिर से बैठ के तो ये देखो ये देखो देखो, वो आंटी खड़े खड़े देख रही हैं, ये नहीं कि बोल देगी भाई ये तो हमारी स्कूटी है। आंटी जो है कुछ बोल, पीछे खड़ी हुई है मजे से। आपको पूरा इंसिडेंट बताऊंगी गाइस, बस बस बस, तो मिल जाएगी मिल जाएगी, काफी डैमेज दिख रहे हैं भैया। सनस्क्रीन है लोटस का नहीं है, देखो ना होगी तो। अभी हम लोग एक स्कूटी पे बैठे थे, कार्तिक और मैं स्कूटी की चाबी ढूंढ रहे थे स्कूटी पे बैठ के, अल्टीमेटली चाबी मेरी पॉकेट में थी, मैंने इसको दी, फिर ये चाबी लगा रहा है स्कूटी पे बैठ के। तेरा साथी यार चाबी नहीं लग रही यार, अच्छा टेरर इतना है ना, दोपहर में भी चाबी वाला इंसिडेंट हो चुका है। हाँ तो मैं स्कूटी वाली बात बता रहा था ना, तो हुआ क्या था, मैंने अपने पीछे राइट हैंड वाले जेब में मैंने स्कूटी की चाबी डाल रखी, पूरे टाइम वहीं पे ही थी। फिर हम लोग गए सिंकरम बीच, फिर वहाँ पर की पैरा ग्लाइडिंग, मतलब मुझे याद तो था कि मैंने जेब खाली कर दी है,
बट फिर भी खैर जो भी हुआ तो हम लोग करा के आगे सब हो गया, अपना वापस जाने लगे, स्कूटी की तरफ गए, खाना भी खा लिया, फिर स्कूटी की तरफ गए। जैसे ही मैंने पीछे अपना जेब में हाथ डाला, मैंने कहा अरे चाबी तो है ही नहीं, मैंने कहा ले आओ, अब तो गई, डूब गई। मतलब एक था मिनी हार्ट अटैक, मिनी तो नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया, क्योंकि मुझे एकदम मेमोरी नहीं थी कि मैंने बैग में रख ली, लेकिन फिर भी जस्ट टू बी श्योर मैंने बैग खोला, खैर मिल गई उसमें। तो भाई ये बहुत बड़ी राहत थी जो हम लोग को हुई, वरना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा गंदा एक्सपीरियंस हो जाता गोवा में। फिर लिटरली मैंने कहा यार ऐसे क्या बोल रहा है, और एकदम से ये हुआ कि अरे गलत स्कूटी और एक्चुअली जिनकी स्कूटी थी वो आंटी पीछे ही खड़े थे, आंटी निकल आई थी स्टोर से, अंकल नहीं निकले थे, आंटी देख रही है लेकिन आंटी कुछ बोल रही है, पीछे भी थे तुम रोको मैं लेके आती हूँ, आंटी खड़ी है लेकिन आंटी कुछ बोल नहीं रही है, मतलब इतनी हंसी है, मैंने कहा सॉरी आंटी, तो आंटी कहीं नहीं होता है, होता है, अंकल बोलते हैं अरे बेटा होता है कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा अरे यार ये मिल नहीं रहा क्या बात है। और लोटस की तो सबसे फेमस होती है यार गाइस, लोटस की सनस्क्रीन अगर आपने यूज़ की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, क्या लोटस की सनस्क्रीन आपने कभी लगाई है एंड वॉट इज़ योर रिव्यू अबाउट इट, बिकॉज आई हैव यूज इट लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन गोवा एंड इट वॉज टू इफेक्टिव। अमेजोन से मंगानी थी मुझे, लेकिन अमेजोन से मैं डिलीवरी मतलब बात की दिखा रहा था, क्योंकि मैंने रिस्क नहीं लिया। भैया सनस्क्रीन है क्या? नहीं है, द मोस्ट नीडेड द प्लेस वेयर द सनस्क्रीन इज नीडेड द मोस्ट, वहाँ पे ही सनस्क्रीन नहीं मिल रही है, एंड जो मिल रही है वो बहुत अरे लोटस की नहीं मिल रही है यार। भैया सनस्क्रीन है क्या? सनस्क्रीन है, पैराग्लाइडिंग है देखो लिखा हुआ था, तुम पैरा क्या बोल रही हो? पैराग्लाइडिंग इज डिफरेंट, बढ़िया है पैराग्लाइडिंग सेलिंग। अच्छा आज करेंगे, आज ढूंढेंगे डिफरेंस बिटवीन पैराग्लाइडिंग एंड पैरा सेलिंग। भैया सनस्क्रीन है क्या? कौन सा है? लोटस का है यार, लोटस के प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं? नहीं, लोटस मिल गई? लोटस नहीं मिली लेकिन SPF 45 मिल गया, तो मैंने कहा ले लिया। हाँ स्कूटी रिटर्न कर दिया। तो आज हम लोग वापस से सेंट एंथनी बाहर आए हैं, और भीड़ दिखा दूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, कल तो खैर संडे था, आज तो बहुत कम भीड़ है, लेकिन फिर भी है, लाइक बस कुछ सीटें कुछ चेयर्स ही है जो खाली हैं। अच्छा नहीं फ़र्क है, अंदर पूरा खाली है, सिर्फ बाहर ही बाहर बैठे हैं लोग, विंडोज में भी खाली ही है। हम लोग ना ब्रिटोस से बाईपास हो गए, मतलब बीच में से होके आ गए, यहाँ से शॉर्टकट है हमारे होटल का, तो फालतू घूम के नहीं आना पड़ा। हम लोग ना अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वो यहाँ एक्चुअली शिप ये क्रूज़ में नीचे इमरान हाशमी का गाना बज रहा था, तो मैंने कहा अरे ये तो लॉर्ड इमरान हाशमी है ये, मैंने कहा वो अरे एक्चुअली वो इंस्टाग्राम में कमेंट्स है, जब भी कोई इमरान हाशमी का कोई पोस्ट होता है ना तो उसमें सब कमेंट्स है लॉर्ड इमरान, सब 90s वाले किड्स वाले हैं और सबको लॉर्ड इमरान भाई पसंद है, तो उस टाइम का वो गाना प्राची ने कहा एक वो गाना बड़ा अच्छा था, वो क्या है दिल क्या नहीं उससे पहले दिल लगी में जो बीती जाए जिंदगी है आशिकी आज है यहाँ है अभी है। तो प्राची मैंने कहा अरे भाई हमारे लॉर्ड इमरान एंड के का जो वो था कॉम्बो था वो बहुत हिट था, क्योंकि मतलब बहुत हिट गाने हैं इनका और हिमेश रेशमिया का भी बहुत हिट गाने हैं। तो आई जस्ट हैड एन आइडिया जो कि मुझे एक्चुअली लगता है करना चाहिए, आई एम अ ह्यूज इमरान हाशमी फैन, तो मैं यही बोल रही थी कि हमें एक्चुअली मतलब इन सीरियस ऑन अ सीरियस नोट हमें एक खाली मंदिर में या मंदिर या किसी के रूम में जो इमरान हाशमी के फैंस हैं उनके इसमें उसके लिए डेडिकेटेड हो, एक फोटो उसका लगाना चाहिए, और जो जितने इमरान भक्त हैं उनको हर एक बार संडे वाले दिन इमरान डे वो करके डेडिकेट करके वहाँ पे एक्चुअली इमरान हाशमी के गानों को भजन जैसे गाना चाहिए, जैसे मर जावा मिट जावा ढोलक भी अच्छी बजेगी मर जावा मिट जावा मर जावा मतलब क्या मजा आती यार सच में। अरे यार एक्चुअली यार ऐसा है, एक सेकेंड, ऑल द इमरान हाशमी फैन सब्सक्राइबर यू आर इनवाइटेड टू अ इमरान
कॉन्सर्ट इमरान कॉन्सर्ट एट माय होम यार वो जो बजट होता है माता संध्या संध्या देवी की संध्या होती है ना तो वैसे क्या बोलते हैं हम इमरान हाशमी की संध्या करेंगे।